नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका साथी मनदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे जो आज हरियाणा सरकार की तरफ से एक बड़ी और अहम खबर आ रही है आप सभी युवाओं के लिए। हरियाणा के जो डिप्टी CM है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने बयान दिया और आज के न्यूज़पेपर ने, लगभग सभी न्यूज़पेपर ने इस खबर को अपने न्यूज़पेपर में, अपने अखबार में छापा है, क्योंकि युवाओं से जुड़ी हुई खबर है, रोजगार से जुड़ी हुई खबर है। तो पूरी खबर क्या, इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे या उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने कहा कि आने वाले 6 महीने के अंदर हम 50,000 युवाओं को जो है रोज़गार देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए आए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रेगुलर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए जो न्यूज आई उसको देख लेते हैं। लक्ष्य है 6 महीने में 50,000 को रोज़गार। CSR के जरिए प्रतिभावान युवाओं को ऑनलाइन कोचिंग भी दी जाएगी। तो लगभग 50,000 युवाओं को तो रोज़गार दिया जाएगा, और जो एक या दो नंबर से फाइनल सिलेक्शन से रह जाते हैं उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था भी अब हरियाणा सरकार अपने खर्चे से करने जा रही है। 13 लाख बेरोजगार युवाओं का डाटा एकत्रित किया जा चुका है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर 15 जुलाई को रोजगार विभाग के जिस रोजगार पोर्टल एवं कॉल सेंटर का अनावरण किया गया था, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इस पोर्टल में राज्य के करीब 13 लाख बेरोजगार युवाओं का डाटा एकत्रित किया गया। कॉल सेंटर के माध्यम से पोर्टल में पंजीकृत युवाओं से उनकी नौकरी के लिए विभाग, वेतन, स्थान आदि पर विचार जाने गए। इसमें लगभग 1 लाख युवाओं से उनकी वरीयता पूछी गई। करीब 30,000 युवाओं ने अच्छी रुचि दिखाई है तथा मार्गदर्शन मांगा। युवाओं को निजी क्षेत्र में दिलवाया जाएगा काम। तो हरियाणा सरकार ने अगले 6 महीने में 50,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में जॉब देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके साथ साथ सरकार प्रदेश के होनहार युवाओं का चयन कर उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन कोचिंग भी दिलवाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने कुछ ऐसे ऑनलाइन पोर्टलों का चयन किया जो उच्च स्तर की ऑनलाइन कोचिंग युवाओं को करवाते हैं। मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार प्रतिभावान युवाओं के हुनर को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR की सहायता से ऑनलाइन कोचिंग दिलवाकर उनकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार तरह से। उन्होंने बताया कि निजी क्षेत्र में अगले 6 माह में 50,000 युवाओं को रोजगार दिलाने का लक्ष्य है। डिप्टी CM ने बताया कि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ युवा मात्र 1-2 अंक के अंतर से पास होने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे युवा भी प्रतिभाशाली होते हैं। प्रतिभावान युवाओं को तराशने, उनके जोश को सफलता में बदलने के लिए प्रदेश सरकार उनको कोचिंग देगी। वही दूसरे न्यूज़पेपर ने भी इसको खबर को प्रमुखता से दर्शाया है। प्रतियोगिता परीक्षा में कम अंतर से चूकने वालों को कोचिंग दी जाएगी। 6 माह में 50,000 को रोजगार देने का लक्ष्य मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार प्रतिभावान युवाओं के हुनर को जो है CSR की सहायता से ऑनलाइन कोचिंग दिलाकर उनकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार तराशेगी। तो फ्रेंड्स, ये पूरी बहुत ही अच्छी खबर है। हालांकि अभी ये प्राइवेट सेक्टर के रोज़गार की बात हो रही है, लेकिन कोचिंग तो आप सभी को मिल ही सकती है अगर सरकार पूरा करेगी। क्या पूरा प्रोसेस क्या होगा, अभी उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा, लेकिन अगर उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं तो युवाओं को यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में 50,000 को युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा, और जो 1 या 2 या 3 नंबर से रह जाते हैं फाइनल सिलेक्शन से, उनकी कोचिंग की व्यवस्था भी हरियाणा सरकार कर रही है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग योर ओन YouTube चैनल MD2 रीडर पब्लिकेशन। थैंक यू वेरी मच।